City Live, a platform to sharing your thoughts. Mera mujh mein kuch nahi nahi jo sab kuch hai tera दोस्तों, खुश आमदीद, आदाब, इस्तकबाल। आज आपको मेरी इस अभिवादन के अंदर थोड़े से सूफियाना रंग महसूस हो रहे होंगे। इसकी एक ख़ास वजह है कि आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, जो हमारी ख़ास मेहमान हैं, उनकी तमाम ज़िंदगी, तमाम उम्र सूफियाना रंगों से ओतप्रोत है और बहुत ही मशहूर व मारूफ गायिका हैं। उनका नाम लेते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है। हमारे साथ आज इंदिरा नायक हैं, जो कि न सिर्फ बड़े सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में पूरे हर जगह छाई रहती हैं, जिनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते रहते हैं। उनकी आवाज़ कभी हमें राष्ट्रपति भवन से सुनाई देती है, उनकी आवाज़ कभी हमारे को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से सुनाई देती है, या उनकी आवाज़ कभी कभी हमारे को हमारे जयपुर के मेरे की कुछ कुछ इवेंट्स में भी सुनाई देती है। तो इंदिरा, आपका बहुत 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 स्वागत है, और इस कोविड 19 के वक्त पे आपसे बात करना और भी ज्यादा सुकून दे रहा है। शुक्रिया हर्षद जी, सबको मेरी तरफ से आदाब, और जयपुर के वासियों को मेरी तरफ से सलाम। और ये वैसे हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाने वाला है। अच्छा, वाह। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चारों तरफ क्या चल रहा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। इस माहौल में आपकी सूफियाना कलाम, सूफियाना मौसीकी किस हद तक सुकून दे सकती है आम आदमी को? देखिए, सूफियाना रंग तो जिंदगी भर सुकून दे सकता है, पर जब ही हम अंदर हैं, घर पे हैं, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की दुनिया में और जाइए, क्योंकि आपको मटेरियल दुनिया से आप कोई वास्ता रख नहीं सकते, अभी वहां जा नहीं सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते, शॉपिंग जा नहीं सकते, तो आप अंदर की दुनिया में झांकें, अंदर और जाइए, अपने जो आत्मा है उसके अंदर एक जर्नी करिए। सुकून भजन हो, सूफी हो, एक ही राह दिखती है मुझे तो, और वहां बहुत सुकून मिलता है, और बहुत ये लगता है कि हम ऊपर वाले से बहुत करीब हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाले से राब्ता कायम करने में आपकी मौसीकी, सूफियाना कलाम एक शॉर्टकट है? आपकी सूफियाना कलाम है एक इश्क का कलाम है, ऊपर वाले के लिए, अपने पीर के लिए। तो हम इसे खुदा से अलग अलग एस्पेक्ट से यू नो इबादत करते हैं, कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी विरह में। तो ये सूफी जो कलाम है, वो जैसे अमीर खुसरो ने अलग अलग रंगों में उनके निजामुद्दीन औलिया के लिए अलग अलग कलाम लिखा है। कभी रोमांटिक था, कभी फ्लर्टेशियस था, कभी यू नो अपने आप को खो देना था। तो आज जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जब हमको अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो हम ऊपर वाले से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको एक कोई फलसफा मिले, या हमको कहीं एक यू नो श्योरिटी मिले कि हम इसके थ्रू निकल सकेंगे। जाहिर है, आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो आपकी जर्नी और अच्छी हो जाती है, आपकी जर्नी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, और उस जर्नी और म्यूजिक के जो एक बबल्स निकलते हैं संगीत के, क्योंकि उसमें एक और मनोरंजन होता है और मन खो जाता है। तो
तो मैं तो कहती हूँ कि इस टाइम पे लोग अगर गाना गाएं, और कोई भी गाना हो या बाकी भी गाने हो, अपने दिल की जो पुकार है उसको इजहार करें, तो उसका सफर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये 20 दिन का लॉकआउट और दुनिया में जो हो रहा है उसका असर कम करेगा। अच्छा, एक एक जाती सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत वक्त से है कि आप, मैंने आपको काफ़ी इवेंट्स में सुना है, आप बॉलीवुड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं, आप गजल्स बहुत अच्छी गा रही हैं। अभी हमारा जो लास्ट प्रोग्राम हमने होली का किया, उसके अंदर आपने होली के रंगों को जिस तरीके से आपने गाया, जबरदस्त समा बांधा आपने, जिसमें ब्रज भी था, भोजपुरी भी थे, दोहे भी थे, हमारी होली के लोकगीत भी थे। तो क्या इंदिरा नायक कहलाना क्या चाहती हैं अपने नाम के साथ, कौन सा वाला टैग ज्यादा पसंद करती हैं? देखिए, मैं जो गा रही हूँ वो मैं वैसे बॉलीवुड कम गा रही हूँ। देखिए, मैं गा रही हूँ तो सूफी गा रही हूँ, गजल गा रही हूँ। ये अगर मैंने यूपी का फोक लिया है होली के टाइम, तो हमारी धरोहर है उसको मैं संभालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बॉलीवुड का क्या है, फिल्म के मीडियम से बहुत ही उसका पब्लिसिटी हो जाती है और वो लोगों तक पहुंचता है, पर हमारे जो कल्चर है बेसिकली वो वहां तक सीमित नहीं है। हम जो सिंगर हैं, ठुमरी गाते हैं, गजल गाते हैं, दादरे गाते हैं, फोक गाते हैं, सूफी गाते हैं, वो बहुत तक बार ऑडियंस तक पहुंचता ही नहीं है। और ऑडियंस में वो एक ख्वाहिश है कि कुछ नया सुने, तो मैं वो जगह भरना चाहती हूँ। आप समझ रहे, अभी होली को मैं अगर लोगों को ब्रज की तरफ ले गई तो उनको एक अलग मजा आया। बिल्कुल और अगर अगर मुझे बॉलीवुड सिंगर बहुत ही है, मैं नहीं कह रही कि वो गाना आसान है, पर रंग बरसे वगैरह तो हर बंदा जानता है। पर अगर मैं होली का गाना मैं अगर ट्रेडिशनल गाऊं, तो उसका एक अलग एक अलग वाइब्रेशन आता है, ऑडियंस में मजा आता है उनको। हम ज्यादा कृष्णा राखी रासलीला होली की मस्ती में पहुंच जाते हैं। तो एक कलाकार का ये जो एक मकसद है कि म्यूजिक हैज टू टेक द ऑडियंस टू अ डिफरेंट लेवल, मैं वो ले जाना चाहती हूँ। जैसे लास्ट वीक मेरा देहरादून में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, ऋषिकेश नहीं, योगा फेस्टिवल पर, तो मैंने 7 जो चक्र हैं उसको मैंने संगीत के माध्यम से गाए। तो मैं अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो क्योंकि भगवान एस्पेक्ट ऑफ माइंड मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्लासिकल बेस्ड होता है। अच्छा, देखिए आपकी जो बातों में मैंने नोटिस किया, आपके बातों में भी 7 चक्रास आ गए, राधा कृष्ण आ गए, तो हम देखते हैं कि सुफियाना कलाम को, गजलों को लोग एक खास तबके से जोड़ते हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? मतलब मतलब आप जो बात कर रही हैं और लोगों की जो सोच है उसमें तो फर्क है। आपके सुफियाना कलाम में, आपकी गजलों में तो राधा कृष्ण भी आ रहे हैं और 7ों चक्रा भी आ रहे हैं, जबकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये कव्वाली नात, ये जो है ये एक इस्लामिक ज्यादा परंपरा का निर्वाह करते हैं। कहा तो मैं समझती, गंगा जननी तहजीब तो बचपन से हम देखते जा रहे हैं। और मैं जब निजामुद्दीन औलिया कहता है कि कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, अब कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मठी, तो वो खड़ी बोली बोल रहे हैं ना, तो वो सूफियाना है या हिंदी है क्या फर्क है। और बहुत कठिन है डगर पनघट की, वो पनघट की डगर अगर आप ऐसे देखा जाए तो वो हम बोल सकते हैं राधा कृष्ण की जो छेड़छाड़ होती थी पनघट पर, डायरेक्टली वहां कनेक्शन हो जाता है। निजामुद्दीन औलिया को जो प्यार में वो अगर वो दिखते भी थे, तो उनको एक रेफरेंस वो नॉर्मल जो लाइफ की सिचुएशन थी वहां, जहाँ वो थे अमीर खुसरो, वहां दिल्ली में थे उस तरफ थे, तो बहुत कठिन, वो देखते थे लड़कियां जा रही पनघट पर, तो आम आदमी तक वो पहुंचाते थे वो बात, बहुत कठिन है नगर पनघट की, अब कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी। तो यहाँ तो नॉर्मल सी जो सोशल सिस्टम था उसको इस्तेमाल किया है, बिल्कुल कैसे हिंदू मुसलमान या कोई कुछ अलग हो गया। संगीत तो कभी ओके, सुफियाना थॉट मैं समझती हूँ कि ठीक है इबादत है, कृष्ण के लिए जो तो प्रेम है मीरा का, मुझे वो भी लगता है, सॉरी मैं बोलूँ वो भी सूफी लगता है, वो तब प्योर है। या जो पीर के लिए जो है अमीर खुसरो का अपने पीर के लिए है, या बुल्ले शाह का है अपने पीर के लिए, वो ही प्योरिटी मुझे दिखती है। तो प्योरिटी हर रिलीजन में है, वो प्यार वो लग।
मैंने जहां तक सूफिज्म को समझा है, सूफिज्म निराकार और साकार के बीच की एक लाइन है जहां पे दोनों धाराएं एक्सेप्टेड है। वो ना तो पूरा निराकार मानते हैं ना पूरा साकार मानते हैं, वो दोनों ही चीजों पे चलते हैं, तो वहां पे दोनों धाराएं मिल जाती हैं। आपका इस पे क्या सोचना है? मुझे इसके लिए ये जो ये लाइन ऑफ थॉट है जो मुझे सूफी में इतना गाती हूँ क्योंकि वो मेरे थिंकिंग से मैच होता है, मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। क्योंकि बचपन से ना मुझे कोई जात पात धर्म का, मुझे मैं भली एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, ब्राह्मण फैमिली, पर मेरे एक चाची एक अमेरिकन है एक पारसी है, तो बचपन से मुझे मेरा धर्म इंसानियत ही रहा है, समझ गए? बहुत खूबसूरत इंदिरा जी। तो मुझे तो और तो मुझे बचपन से जब ये सीख मिली है और जब से हम पैदा हुए इंडिया को जिस हम तरीके से देखा है एक सेक्युलर थॉट से देखा है, तो ये बहुत आसान था मुझे। और मैं जब ये पोएट्री की जो एक पाकिस की देखती हूँ मुझे बहुत पसंद आती है, और मैं भजन भी उसी तरीके से गाती हूँ जो मैं एक सूफी गाऊंगी, कि मुझे वहां भी ईश्वर दिखता है, वहां भी जो प्रेम है सूरदास को अपने गुरु के लिए अपने कृष्ण जी के लिए वो मुझे झलकता है। तो एक्चुअली ईश्वर का प्रेम हर जगह एक ही है। ईश्वर के प्रेम की भाषा है जो आप इजहार करती हैं। हाँ, सूफी बोलो या भजन बोलो। ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरती से आपने इस बात का जवाब दिया। और आपकी जो ये पंचलाइन थी कि इंसानियत हमने समझी और इंसानियत हमने सीखी, शायद हमारे को आज के दौर में भी उसकी थोड़ी सी जरूरत। अब इंसानियत तो कूट कूट के भरी हुई है सब जगह, लेकिन विजिबल नहीं हो पा रही, विजिबल कुछ और चीजें हो रही है, तो उसकी भी थोड़ी सी शायद जरूरत है। वो मुझे लग रहा भी कोरोना वायरस से सिखाता है कि नेचर के सामने हम और आप कुछ नहीं है। नेचर के सामने हिंदू का खून, मुसलमान का खून या क्रिश्चियन का खून एक ही है जी। खून भेद नहीं करता, वो भेद नहीं करता, किसी को भी हो सकता है। तो हम कौन है किसी को बताने वाले कि तुम कम हो ज्यादा हो अच्छे हो बुरे हो, हर एक अपने तरीके से। अभी फंडामेंटल लोग तो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, फंडामेंटल और सेक्युलर लोग हर जगह है। तो उसमें आपको डिसाइड करना है कौन से ग्रुप में आते हैं, सेक्युलर के फंडामेंटल बेसिकली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूथ में आप इतने प्रोग्राम करती हैं, आप जाती हैं, आप गाती हैं, यूथ में क्या रुझान है अब हमारी इन भारतीय, जो आपने कहा कि आप उन चीजों के बॉलीवुड तो कोई भी गा लेगा, कितनी अच्छी खूबसूरत बात है ये कि जहाँ पैसा मिल रहा है, जहाँ पे नाम बहुत जल्दी, आप उस शॉर्टकट पे नहीं जा रही हैं और आप अपनी परंपराओं से जुड़ी रहना चाहती है। आई लव यू फॉर दैट। तो जो ये अब यूथ में भी क्या वही सोच है जो आपकी सोच है? खिला रहे हो ना, प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्स्टेंटली उनको आप बाय न्यूज या जो माहौल है वो आप उसको कौन सी म्यूजिक एक्सपोज कर रहे हो वो उसको वही अच्छा लगेगा। तो इतना पब्लिसिटी जा रहा है यू नो बॉलीवुड पर, देखो अंडरग्राउंड म्यूजिक भी कह रहा हर जगह और हर जगह यू नो फ्यूजन भी चल रहा है। तो मैं नहीं जानती थी, और लोगों को हमेशा एक नए की तलाश तो होती है, तो अगर आपने उसको बराबर तरीके से पेश किया, उनको भी थोड़ा अगर आप फोक ले रहे हो तो उसमें थोड़ा बेस गिटार रख दिया, थोड़े ड्रम्स भी रखे, तो क्या हुआ अगर आपने उस चीज को उनके तरीके से उनको यू नो खिलाया, यू नो जिसे हम फ्यूजन कुकिंग भी बोलते हैं, राइट? हम आजकल पानीपुरी में वोडका भी पीते हैं, राइट? तो ये भी हो रहा है, और एक तरफ अलग अलग छह टाइप की पानीपुरी भी मिलती है। तो हर जगह दुनिया में इंटरनेशनल एक्सपोजर से, इंटरनेट के थ्रू, हर जगह से लोगों की जो यू नो एक्सपेक्टेशन वो चेंज होती जा रही है। तो म्यूजिक भी वही बात है, तो उनको मजा आता है। आपको आप आर्टिस्ट पर बहुत दम होना चाहिए कि आप ऑडियंस को क्या परोसेंगे, क्योंकि बहुत रिस्क लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि वो डरते हैं कि अरे वो चलो पर क्या हो रहा है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो हर परफॉर्मेंस एक जैसा ही लगने वाला है। बिल्कुल। आपकी अगर आपने बोला आपको यही गाने हिट है वही, तो नया हिट बनेगा कैसे? आप समझ गए? अभी भी जो चल रहा है बॉलीवुड में नुसरत फतेह अली के गाने, राहत फतेह अली जो गा रहे हैं वो 20 साल पुराने गाने, उनको रिहैश करके बहुत चीजें बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों ने क्या अच्छा नहीं बनाया, तो आजकल जो रिमिक्स भी बना रहे हैं जो पुराने गानों में, क्योंकि उसमें पोएट्री थी, उसमें मेलेडी थी, और जो हम नॉन म्यूजिक बॉलीवुड गाते हैं वो पूरी पोएट्री मेलेडी पर ही बेस्ड होती है। तो हाउ इट वोंट डू इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हैविंग द यू नो द हैविंग द काइंड ऑफ श्योरिटी अबाउट योर ओन वर्क।
बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप, मैं जानता हूँ आप उन शख्सियत में से नहीं है जो आपको बंद नहीं किया जा सकता इमरान, आप लॉकडाउन नहीं हो सकती, तो कैसे क्या चल रहा है अभी ये लॉकडाउन को कैसे तोड़ा जा रहा है, या मतलब वहीं बैठे बैठे किस तरीके से? मैं अपना म्यूजिक एक्सप्लोर कर रही हूँ, जैसे आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ, ये तो कि वी आर गोइंग टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम द बेसिक यू नो जो दीवारें हैं सोच अगर बड़ी हो तो यू कैन ब्रेक डाउन एनी लॉकडाउन राइट। तो मैं बता रही हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, उनको संगीत सिखा रही हूँ, मेरा वक्त अच्छा कट रहा है, मेरा रियाज हो रहा है, और घर की भी चीजें, हर घर के पास डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं है तो हम जो चीजें नहीं कर सकते, आटा नहीं बनाती थी वो मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो रिविजन हो गया ना। देखिए क्योंकि इंसान को बेसिक रूट, और जैसे आप जानते हैं अर्षद जी, आप और मैं जब हम पैदा होते बड़े हो गए हमारे पास एक चैनल होता था दूरदर्शन, और हमारे पास चंदे पिक्चर होती थी, और हमारे पास क्या होता था दो चार सीरियल होते थे, टाइगर होता था, हम उस पर खुश थे, साल में दो बार हमको कपड़े मिलते थे, अभी क्या हो रहा है वही हो रहा है, एंड वी आर क्वाइट केपेबल, वी आर क्वाइट हैप्पी, लगता है जो चीजें बढ़ा के हम इतने लोग थे, मेरे पास BMW थे, मुझे ये थे, मैं नहीं बोलूँ कि इंजॉय नहीं करें, बट वो हम स्टिक्स हम पाइल ऑन करते हैं, और अंदर की जो आत्मा है वो बोझ तले दबी जाती है कि आपको ये मैं भरने हैं, आपको फाइशा में रहना है। अरे घर को भी अच्छा बना सकते हैं ना, अगर आप अगर थॉट अच्छा रखेंगे तो आपका घर इज द बेस्ट प्लेस टू बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंदिरा, बहुत मजा आया। हम बात तो आपसे लंबी करना चाहते थे लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी क्लास चालू होने वाली है और आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अभी इंतजार कर रहे हैं आपका, तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। अगर मौका मिला दोबारा तो मैं चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम तफसील से बात कर पाए, हम ज्यादा अच्छी लंबी बातचीत करेंगे तो आपसे, क्योंकि मुझे खुद को, मैं सुनने वालों की तरफ से तो क्या बोलूं, मुझे खुद को अभी लग रहा है कि ये सब कुछ थोड़ा सा हम तो आपको करना चाह रही हूँ कि आपने ये जो सोचा है कि आर्टिस्ट को या अलग लोगों को लाना इस टाइम में, उनको एक चैन मिलता है, उनको एक आर्टिस्ट की लाइफ से एक्सपोजर है, या तो आप जो नई नई चीजें लोगों के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और आई सल्यूट यू फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड द चैनल। हमारे दो मित्र हैं सत्यजीत और विश्वजीत, ये हमेशा ये मतलब ये कैमरे के पीछे हैं, अभी दोनों सुन रहे हैं बात को, लेकिन वो हमेशा ये करते रहते हैं कि काम होता रहना चाहिए, चाहे उसके अंदर रिजल्ट अच्छे आए, बुरे आए, देर से आए, ना आए, लेकिन रुकना नहीं। तो इसलिए एक लाइन गाते जी, बिल्कुल बिल्कुल, अरे हम तो, मैं झिझक रहा था ये कहने में, आप गाइए ना एक लाइन। जब यार देखाने न भरे दिल की गई चिंता उतरे, यार मतलब ईश्वर, अगर आपने अपने आप को ईश्वर के हाल दिया तो आप क्यों टेंशन लेना है लाइफ में। जब यार देखाने न भरे दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई जब तू तो हमारा यार है तुझ पर हमारा प्यार है। मुझे दोस्त तीन सार है, उस दिल में तुम आए हैं। जब यार देखा तो हमारा यार है, उस पर हमारा प्यार। एक बात और मैं बताऊं आपको, मैं एक असलियत कहना चाहता हूं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कि आपको साजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, माशाल्लाह आपकी आवाज में वो तासीर है कि बिना सांस के भी उतनी खूबसूरत लग रही है कि जब मैं साजों के साथ सुनता रहता हूँ, लेकिन बिना सांस के भी उसकी ताजगी और उसकी जो तासीर है वो कहीं कम नहीं हुई। अल्लाह आपकी आवाज की खूबसूरती और आपकी खूबसूरती इसी तरह बनाए रखे। शुक्रिया, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। City Live, a platform to sharing your thoughts.